अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स को और इसके लर्निंग आउटकम को हम देखते हैं। डिस्टिंग्विश करेक्टर ऑफ एंजाइम्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एंड डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑन एंजाइम एक्शन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन और एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन और फीचर इसके देख लेते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं और दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। 3D होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये खुद यूज़ नहीं होते। ये आगे हम इनके फीचर्स देखेंगे। और विदाउट एंजाइम लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। ये बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है अगर एंजाइम ना हो तो। कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं रहता तो लाइफ भी अल्टीमेटली पॉसिबल नहीं रहती। फीचर्स, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि इनके मौजूद होने से जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की नेचर नहीं चेंज होती, यानी कि उनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट खास नहीं होता। देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। एंड द नेक्स्ट इज द स्मॉल अमाउंट्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट में अगर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अगर रिएक्टेंट के ऊपर भी ये एक्शन करेंगे और उनको प्रोडक्ट्स में चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉल अमाउंट में यूज़ किए जा सकते हैं। और एक और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये यूज़ भी नहीं होते, वेरी स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। यानी कि एक एंजाइम को, फॉर एग्जाम्पल एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अप्लाई होता है और उनको ब्रेक डाउन करता है, तो ये लाइपेज के ऊपर, ये लिपिड्स के ऊपर एक्टिवेट नहीं हो सकता। इसी तरह से लाइपेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है जी, वेरी स्पेसिफिक होते हैं, वेरी सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। सम रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको हम कहते हैं को फैक्टर। कुछ को फैक्टर भी रिक्वायर करते हैं जी फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, और दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है जी, हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस इन देयर एक्टिव फॉर्म, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होते एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टमिक में प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजिन के फॉर्म के अंदर। तो पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिव फॉर्म, इसको हम कहते हैं कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म है। और इससे जब फूड आता है, प्रोटीन वाला फूड स्पेशली आता है स्टमक के अंदर, तो तब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, तो ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है। देन हमारे पास डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड इसके हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक है को फैक्टर। को फैक्टर को हम देखते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होता है, हम कहते हैं डिटैचेबल को फैक्टर। अगर ये इनऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिक ना, कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स ना हो, अगर इनऑर्गेनिक हो और डिटैचेबल हो तो ये एक्टिवेटर कहलाता है। और प्रोस्टेटिक ग्रुप है, हम कहते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो प्रोस्टेटिक ग्रुप है, और अगर लूजली अटैच ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम। ये वाली बात अपनी याद रखनी है। अच्छा, देन आता है हमारे पास एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। अब जो एपो एंजाइम होता है हम कहते हैं एंजाइम विदाउट को फैक्टर, एपो एंजाइम है। और होलो एंजाइम, होल से याद रख सकते हैं, होलो एंजाइम को हम कहते हैं एंजाइम प्लस को फैक्टर, तो ये होलो एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसको अगर आप देखें, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली इसकी क्या होती है, एक्टिव साइट मौजूद होती है एंजाइम की, और ये पूरा एंजाइम है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है जी, सबस्टांस दैट अटैचेस विद एंजाइम टू स्टार्ट आ रिएक्शन, और आगे इससे अल्टीमेटली क्या बनता है। देखिए जी, होता कुछ यूँ है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इट विल गिव अस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इससे अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट, और प्लस में एंजाइम वैसे के वैसे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मॉडल्स जो कि एंजाइम को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला मॉडल है जी हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, और ये प्रपोज किया था एमिल फिशर ने 1890 के अंदर। इसने कहा था कि जिस तरह से एक ताले के लिए एक स्पेशल तरह की चाबी होती है ना, एक लॉक के लिए एक स्पेशल की होती है, इसी तरह से एक एंजाइम
एंजाइम के लिए एक स्पेशल सबस्ट्रेट होता है, जब वो सबस्ट्रेट आता है तो तभी ही ये जो होता है ना वो ओपन होता है। इसी तरह से अगर एक खास सबस्ट्रेट आता है तो एक खास एंजाइम वर्किंग में आता है। तो ये लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स जो बना है ये क्या एक्चुअल में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट इज़ द की, ये वाली बात आपने याद रखनी, बहुत सारी बुक और इवन के बहुत सारी बुक में गलत भी लिखी हुई, ये वाली बात आपने याद रखनी है। देखिए जी, की सबस्ट्रेट है और एंजाइम लॉक है। देन हमारे पास सेकेंड मॉडल इसके बारे में आता है, दैट इज़ द इंड्यूस फिट मॉडल, इसको हम हैंड एंड ग्लव मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि इस मॉडल ने कहा था कि जो एक्टिव साइट है ना, एक्टिव साइट इज रिजिड स्ट्रक्चर, कि एक्टिव साइट जो होती है ना उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो रिजिड होती है, वो हार्ड होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। इंड्यूस फिट मॉडल को हम हैंड एंड ग्लव मॉडल भी कहते हैं। और इसने कहा था कि जो हमारी एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, वो अपने आप को चेंज कर सकती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। एंजाइम कैन चेंज इट्स शेप, स्पेशली एक्टिव साइट कैन चेंज इट्स शेप। तो हम कहते हैं कि एंजाइम, ये देखें यहाँ पे इसकी इस तरह की एक्टिव साइट है ना, अब जैसे ही ये सब्सट्रेट आया ऐसा, तो इसने अपने आप को ऐसा बना लिया। तो ये एक्चुअल में इसको कहते हैं एंजाइम की आँखें मौजूद है। तो ये इंड्यूस फूड ने बताया था, ये अंडरस्टैंड कर लिया एंजाइम ने, अपने आप को वैसे बना लिया प्रोडक्ट, और बाकी फिर वैसे ही बदल गया जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स के ऊपर ये एंजाइम जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये एंजाइम वर्किंग करते हैं, ये डिपेंड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट अनलिमिटेड एंजाइम, यानी कि अगर आपके पास एंजाइम बहुत ही ज़्यादा हैं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएँ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाए। ठीक है जी, अगर आपके पास सबस्ट्रेट कम है एंजाइम ज़्यादा है तो रेट विल इंक्रीज बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। सिंपल है ना, एंजाइम ज़्यादा है तो ही सबस्ट्रेट और ऐड करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर इक्वल है तो आप कुछ भी बढ़ाते जाएं, सबस्ट्रेट बढ़ाएं या एंजाइम बढ़ाएं, कुछ भी बढ़ाएं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वैसे का वैसा रहेगा। और अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाए और एंजाइम कम हो जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थर्ड केस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस थर्ड केस के अंदर क्या है, नो इफेक्ट ऑन रेट व्हेन सबस्ट्रेट इज़ इंक्रीज। क्यों, इसकी क्या वजह है जी, सबस्ट्रेट पहले ही ज़्यादा है, एंजाइम तो बेचारे कम, एक्टिव साइट ही नहीं है जी, सबस्ट्रेट का क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट बनेगी नहीं अल्टीमेटली। तो क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा ना, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी, क्योंकि एंजाइम आपके पास पहले ही थोड़े हैं और सबस्ट्रेट तो पहले ही वारागर्दी कर रहे हैं, बाद में इतने एक्सेस में आके फिर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन, के एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट होता है जी। तो हम कहते हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन को हम देखें इनमें से कोई भी देखेंगे ना, तो एक अनलिमिटेड रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है एंजाइम कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर इक्वल है तो नो इफेक्ट होगा। और सिंपली अगर एंजाइम्स ज़्यादा हैं और सबस्ट्रेट कम है तो आप फिर एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहें तो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है दैट इज फैक्टर टेम्परेचर का है। टेम्परेचर एक हम कहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, तो रिएक्शन बढ़ा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो जो सर्टेन लिमिट है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि इंसान के सारे एंजाइम के लिए होता है, वो 37 है। और जैसे जैसे इसको डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, और हाई करेंगे तो हम कहते हैं फिर भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डीनेचुरेशन हो रही है, डीनेचुरेशन ब्रेक डाउन हो जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली फिर डिक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर हाई करेंगे इसे या कम करेंगे, दोनों केसेस में टेम्परेचर डिक्रीज ही रहेगा। फोर्थ फैक्टर इज़ द पीएच। देखिए जी, एक ख़ास पीएच के ऊपर बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स काम नहीं कर सकते, मतलब आप ये एक स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते इसके बारे में। क्यों, क्योंकि आपके कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ नॉर्मल रेंज में काम करते हैं। तो इस तरह से होता है कि ये जो होती है ना एंजाइम्स, एंजाइम्स हम कहते हैं कि जो ऑप्टिमम पीएच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विल डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। तो सेम वही बात है जो टेम्परेचर में आपने पढ़ी, कि पीएच को बढ़ाएं या कम करें तो आपके पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ही होगा। इसकी सिंपल वजह यही होती है,
के अंदर काफ़ी चेंज आते हैं। स्लाइट चेंज इन पीएच क्या होती है, वो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन हो जाती है, और अगर ज़्यादा पीएच को चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाती है कि वो पूरे का पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी डीनेचरेशन भी इवन के हो सकती होती है। अब नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में एक निमोनिक है जो कि मैंने आपको डिफरेंट एंजाइम की पीएच के लिहाज से याद रखने के लिए लिखा है। पोज एससीसी एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का एग्ज़ाम। पीए हम कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट को, तो हम कहते हैं पोज एससीसी एंड पीए। देखिए जी यहाँ पे जो पहला कैपिटल पी है दैट स्टैंड फॉर द पेप्सिन, ठीक है जी। पेप्सिन जो होता है वो काम करता है टू पीएच के अंदर सिंपली, मैं ऐसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, टू पी पी टू के लिए पेप्सिन। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है, देखिए जी अब यहाँ पे दो आपके पास आगे भी एस आएगा, यहाँ पे भी एस है, तो एस जो पहले है वो उसके अंदर कम स्पेलिंग है यानी कि सुक्रेज, और जो दूसरे वाला है वो स्लाइटली इमाइलेज है। अब यहाँ पे जो सुक्रेज है इसका 4.5 होती है पीएच। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई स्टैंड फॉर इंटेरोकाइनेज, यहाँ पे 5.5 हो जाती है। आगे वाला स्लाइवरी इमाइलेज तो वो 6.8 है, और नेक्स्ट है सी स्टैंड फॉर कैटालेज, देखिए जी कैटालेज है तो कम स्पेलिंग है, आगे वाला सी है तो ज़्यादा स्पेलिंग है। कैटालेज के अंदर 7.6 हो सकती है, और काइमोट्रिप्सन के अंदर 7-8 हो सकती है। देन हमारे पास आ जाता है पी और ए, और पी स्टैंड फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज, और ये 9 पीएच के ऊपर काम करता है। और देन आ जाता है आर्जिनेज, और ये नॉर्मली 9.7 और 9.8 पीएच के ऊपर, ये 9.7 ही हम कंसिडर करते हैं, इसके ऊपर ये काम करता है। तो ये था पीएच के बारे में। नेक्स्ट है जी इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, कुछ को हम कहते हैं इरिवर्सिबल और कुछ को कहते हैं रिवर्सिबल। देखिए जी जो एक दफ़ा अटैच हुए हैं उनका इफेक्ट कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं परमानेंटली, तो वो होते हैं इरिवर्सिबल। जैसे आप कहते हैं कोई भी चेंज या कोई भी केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप टी मिल्क ऐड करते हैं और उससे आपके पास यानी कि यहाँ पे पत्ती और चीनी और मिल्क डाल दी है, और उससे आपने एक पूरा ऊपर टी कप बना दिया, ठीक है, एक कप के अंदर टी डाल दी, क्या इस टी से वापस मुझे मिल्क ला के दे सकते हैं या चीनी? नहीं ना। तो ये इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल चेंज जो होती है वो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, एक्चुअल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तो वो सबस्ट्रेट रिप्लेस कर जाएगा। तो रिवर्सिबल को किसी न किसी तरह से हम बीट कर सकते हैं और एंजाइम बेचारे को फ्री कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव हो सकता है रिवर्सिबल या फिर नॉन कॉम्पिटेटिव। ये रिवर्सिबल की दो टाइप्स होती हैं, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव का मतलब है कि ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखता है सबस्ट्रेट के साथ, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, और ये एक्टिव साइट के ऊपर अटैक करता है, ठीक है जी। और नॉन कॉम्पिटेटिव का मतलब है सिंपल, जो कॉम्पिटिशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये अटैक करता है अदर देन द एक्टिव साइट, और इस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, ये वाली साइड होती है। और सॉल्ट्स ऑफ द हैवी मेटल्स लाइक HCN है, तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव एग्जांपल है, साइनाइड है, ये नॉन कॉम्पिटेटिव की एग्जांपल्स हैं। फीडबैक इनहिबिशन, तो देखिए आपने सुना होगा कि बाद दफ़ा इंसान जहर भी खा लेते हैं कुछ लोग, फिर भी बच जाते हैं। तो एक्चुअल में ये होता है चाहे वो किसी हद तक बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव है बट है रिवर्सिबल, तो उससे इतना कोई चांसेस होते हैं कि वो मर भी जाए, लेकिन इरिवर्सिबल ज़्यादा सीवियर होता है। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब होता है रेगुलेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करते हैं, ज़्यादा बनानी है कम बनानी है, तो उसके हिसाब से आपके पास जो रेगुलेटर्स होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स हो सकते हैं, तो इस प्रोसेस को फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। दैट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच।